गेटअप के बारे में. एक्चुअली मुझे वो ये सब ज़्यादा शौक नहीं है. आई मीन यहाँ से तो बिकॉज सबके लिए आना बहुत डिफिकल्ट है. लेकिन यस, दीपिका सिमर जो हमारे शो से हैं, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है. शी इज़ लाइक माई सिस्टर, आई मीन लाइक दैट. तो शी इज़ कमिंग देयर एंड आई एम वेरी हैप्पी. उसके बिना तो शायद मैं ये सब कुछ कर भी नहीं पाती. आई डोंट नो, मतलब तैयार होना ये सब चीज़ें, उसको बहुत आइडिया है. उसी ने मेरी सारी हेल्प की, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना एंड ऑल दैट. तो कुछ बातें जो नॉर्थ इंडियन कल्चर की होती है वो आपको याद आती है, जैसे लहंगा हुआ, ये चीज़ें हुई. सी, इनके साथ तो ऐसा है कि ये संसंग के फादर नेवी में थे, तो इनको नॉर्थ के बारे में ज़्यादा तो मालूम है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रैवल करती रही हैं ऑल अराउंड, तो इनको हर कल्चर के बारे में मालूम है. मैं प्रॉपर नॉर्थ में ही ब्रॉन ब्रॉट अप, सारा एजुकेशन वहाँ से हुआ है. तो हाँ, ऑब्वियसली जब वहाँ आप जाते हो, यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेशनली बहुत अच्छा फील होता है, प्रोफेशनली फ्रेंड्स के साथ घर जैसा फील होता है, बट वहाँ जाओ तो एक्चुअल होमली फील होता है. पूरा धूमधाम होगा नॉर्थ इंडिया एकदम. और मैं भी मतलब बना रही हूं, मुझे लगता है आप सब नॉर्थ से हो तो यू नो बेटर. जी जी, हम उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. और आप अपने गेटअप के बारे में थोड़ा सा बताइए आप दोनों. हां, तो पहले कैसा लग रहा है ये बताइए. बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग. गेटअप के बारे में एक्चुअली मुझे वो ये सब ज़्यादा शौक नहीं है. आई मीन मतलब आप लोग भी जितने बार सेट पे आए होंगे, ये सब चीज़ें बहुत बार हुई है कि मैंने बताया कि मुझे ज़्यादा मेकअप का शौक नहीं है. सेट पे भी होता है कि खुशी मैडम प्लीज़ मेकअप कर लीजिए ना, आई एम लाइक प्लीज़ यार. और तो इस बार तो मुझे पकड़ पड़ के मेरे सारे को एक्टर्स ने बोला कि प्लीज़ इस बार तेरी संगीत है तो मेक श्योर कि तू प्रॉपर मेकअप वेकअप लड़कियों जैसे मतलब अच्छे से गुड गर्ल की तरह रहे. सो आई मीन हूँ मैं, तो आप देखिए प्रॉपर. मैंने ये माथा पट्टी यूज़ किया है क्योंकि मुझे हमेशा सर पे मतलब मांग टीका का बहुत शौक है हमेशा. इवन पल्लू का भी मुझे बहुत शौक है, तो इसीलिए मैंने पहले से एक्चुअली मैं पहले से प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि मैं बनारस जाऊँगी और शादी के बाद 10 दिन जब वहाँ रहूँगी. हाँ, नॉर्थ इंडिया साफ होती है, काफी नॉर्थ इंडिया जो साफ होती है, अब उनको कैसे टैकल करेंगे, कैसे टैकल करोगे नॉर्थ इंडियन साफ, मतलब कैसे मुझे ये मुझे जवाब अच्छी होती है, ये मुझे जवाब देने दीजिए. मेरी मॉम के बारे में ऐसा नहीं, मुझे बोलने दीजिए. हाँ नहीं, इनकी मॉम, एक्चुअली मैं बोलूंगी मेरी मॉम, ओके. एंड नहीं वैसी बात नहीं है, शी इज़ टू गुड. मतलब मैं उनसे अब जब फ़ोन पे बात करती हूँ, मैं बताती हूँ, काश वो आती और भी मज़ा आता. मैं उनको बता रही थी मुझे ना आपको मॉम बताना, आई कॉल हर मॉम. मैंने बोला मुझे आपको ये बताना कि मैंने क्या क्या गेटअप किया, क्या क्या ड्रेस किया, क्योंकि मैं बहुत बातें करती हूँ और वो मेरी सारी बातें बड़े प्यार से सुनती है. तो आई जस्ट विश काश वो अगर होती तो और ज़्यादा मज़ा आता यहाँ पे आती. तो यहाँ की शादी की बात करें तो यहाँ की शादी 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है. यूपी में बात करें पूरी रात भर शादी चलती है, उसकी तैयारी बहुत धूमधाम से होती है. तो पूरी रात भर आप बैठने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से, काफी काफी दिन से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही है. इनसे आप पूछ लो, ये बता देंगे आपको. इन्होंने मुझे बताया हुआ है सबसे थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क जो है वो ये होगा बनारस में जो मुझे 10 दिन के लिए मतलब वो साड़ी पहन के सर पे पल्लू में रहना है, मतलब घर पे प्रॉपर, यू नो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो. कि मुझे पसंद है एक्चुअली सर पे पल्लू, बट अब तक डेली सोप में हमने किया है. हाँ वही मैं बोल रही हूँ, डेली सोप में हमने किया, नहीं फर्क पड़ता है. डेली सोप में क्या होता है कि आप ठीक है, मतलब सर पे पल्लू है, दीदी है, आके ठीक कर लिया, साड़ी है, ये हो. जब आप रियल में जब ये सब करते हो तो चीज़ें बहुत अलग होती हैं. आई मीन इनफैक्ट मेरे रोके के टाइम में मैं जो इतनी मस्ती वस्ती मस्ती खो रही हूँ, मैं अपना भी बहुत शर्मिली सी हो गई थी, पता नहीं क्यों. अच्छा, लास्ट अपने फैंस आप क्या कहेंगे? मैं अपने फैंस से ये कहूँगी कि मुझसे प्यार करते रहिए और क्या, मतलब मेरी मतलब शादी कर रही हूँ कोई बात नहीं, आप लोग मुझसे अभी भी प्यार कर सकते हैं. नफरत मत करना. और अभी खुशी जो बिल्लो रानी है वो थोड़े वैसे रूप नहीं दिखा रही है बिल्लो रानी वाले, तो आप ज़्यादा नफरत वाले प्यार नहीं, सिर्फ प्यार वाला प्यार मुझे दीजिए. बाकी सवाल मैं आपसे बनारस से वापस आने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद पूछेंगे और अच्छे से जवाब देंगे. We'll be right back.
When I tell everyone that you're in love with me, congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my